लगाएंगे पहले पाउडर इसको, इनको भी अगर घंटी की आवाज़ आ रही है, टीनिटस की प्रॉब्लम है ना, उनको थोड़ा सा और दो। आपको आवाज़ आती है इसे टन टन की आती है सारे दिन ही? यही समस्या है, ये इसी को बोलते हैं टीनिटस। यहाँ की मसल्स को है ना पहले रिलैक्स करेंगे सारी, 40 बार ऐसे कैंची की तरह करेंगे दोनों उंगली को है ना, और 40 बार नीचे की तरफ करेंगे ऐसे, 1 2। अंकल जी आप भी सीख लो, ये आपको भी करनी है, खुद से ही हो जाएगा ये, ठीक है। कान को ऐसे पकड़ के या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 40 बार है ना, गर्माहट आ रही है ना बस। तो बाकी जब नहाओ ना तब रुई लगा के नहाया करो, जब अपने अंदर पानी जाता है ना कान के अंदर, तो अपने कान की हीट से वो है ना बुलबुला बन जाता है, और बुलबुला बन के वो पर्दे के बाहर रुक जाता है। कान में हीट होता है ना, गर्म होता है ना अंदर, और पानी मिलता है तो बुलबुला बन जाता है वो अंदर। हाँ रुई लगा के, रुई में थोड़ा तेल लगा के सरसों का, फिर ठीक है, फिर आपको करना है ऐसे वही 40 बार। हाँ जी हाँ वो ठीक हो जाएगा, ये जो घंटी की आवाज़ आती है ना बार बार, ये तो आपकी अभी ठीक हो जाएगी। 2-3 बार ऐसे करोगे ना आप 2-3 दिन, उसी में आराम मिल जाएगा उसमें। तो फिर आपको ऐसे करना है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे रखो फिर आगे से पीछे की तरफ। अब क्या करना है अंकल जी, ये काम हो जाए ना पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद अपनी जो उंगली है ना उसको यहाँ रखेंगे और इसको पीछे की तरफ खींचेंगे 6 सेकंड के लिए। देखो खींच रहा है अंदर से, हाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। फिर इसको 6 सेकंड के लिए ऊपर खींचेंगे, ऐसे खोलेंगे है ना इस तरह, अभी सही सुनाई दे रहा है, वैसे ही ऐसे खोल के रखेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे की तरफ खोलेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको नीचे की तरफ खोलेंगे ऐसे ही, अब क्या करेंगे, जैसे ये हाथ है ना इसमें एयर क्रैक बनाएंगे, जैसे एयर बनता है ना वैसे इनको एकदम से लेके ऐसे रख देंगे, फिर एकदम से खोलेंगे ऐसे। आवाज़ आ रही है आपको ऐसे एकदम से हवा रुकने की, ऐसे वैक्यूम क्रिएट करेंगे अंदर, ऐसे खोल देंगे ऐसे, अब ये जो लास्ट वाला खड्डा है ना ये वाला, अब मुंह खोलो एक बार अपना, यहाँ दर्द है मुंह खोल के रखो, दर्द है तो होने दो थोड़ा सा। इसको हल्का हल्का ऐसे घुमाएंगे 15 बार, पहले 15 बार क्लॉकवाइज 12 से 1 की तरफ है ना, फिर 15 बार एंटी क्लॉकवाइज 12 से 11 की तरफ ऐसे, पहले ऐसे घुमा लिए 15 बार, फिर उल्टा घुमाएंगे ऐसे। हाँ जी ये तो दूसरे से घुमाना पड़ेगा, खुद इतनी इतनी मेहनत खुद अंकल थोड़ी करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इनको ऐसे, ये तो आप वीडियो देख के है ना, किसी को दिखाओगे ना तो वो कर देगा आपको, ज़्यादा इजी टेक्निक है ये तो, ज़्यादा कोई कठिन थोड़ी ना है ये तो, इजी बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप खुद कर सकते हो या करवा सकते हो। ये देखो कुल मिला के यहाँ पे है ना सर्कुलेशन बनाना है ब्लड का, ठीक है, और जो हीट है ना उससे ही ठीक हो जाएगा वो। तो इसको हल्का ऐसे करेंगे, अभी ठीक लग रहा है आपको कान में? वैसे ही लाओ इधर दो, दूसरे में भी कर दूँ। इनकी जो ये घंटी की आवाज़ आती है ना, इनको बार बार सारे दिन क्या होता है टीनिटस के अंदर आवाज़ आती रहती है टन टन, वो क्या है बैलून बनता रहता है, बबल्स बनता रहता है अंदर।
फिर नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ जी, चारों साइड करना है, बिल्कुल राइट। फिर वही खोल के रखेंगे ऐसे 6 सेकंड, फिर ऊपर की तरफ खोल के रखेंगे, फिर इधर की तरफ खोल के रखेंगे, फिर नीचे की तरफ, फिर खड्डे में। अरे खड्डे तो बहुत तगड़ा बना हुआ आपके। हाँ ऐसे ही खोलो, मुंह खोलो, हाँ ऐसे, वेरी गुड। फिर एंटी क्लॉक वाइज 15 बार। बस ऐसे इस तरह। अब बता दो सर, घर पर रहकर इस टेक्निक से घर पे कर सकते हैं ऐसे? हाँ, वो बता दो, घर पे कर सकते हैं इसी को ऐसे। और आपको है ना अंकल जी, नहाने से पहले तो रुई डालोगे आप, है ना, ऑयल लगा के, और जब ये सारा कुछ हो जाए ना, थोड़ा सा हीट से भी गर्म कर लेना ऐसे, जो हॉट पैड वगैरह आता है ना उसको रख लेना थोड़ी देर के लिए यहाँ पीछे, और यहाँ जब ये कर लोगे ना सारा, ये पूरा प्रोसेस कर लोगे ना ट्रीटमेंट, तो घर पर ही ये ऐसे कर लेना, उसको हीट पैड को रख लेना थोड़ी देर के लिए, बस फिर सो जाना। अब सुबह तक तो एक नंबर हो जाएंगे आपके कान।